हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप जो है ये टाइपराइटर इफेक्ट बना सकते हो इन प्रीमियर प्रो। बहुत ही आसान है, मेरे साथ साथ करिए, हार्डली यार 5 से 10 मिनट लगते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करें। सो गाइज, हम आ चुके हैं प्रीमियर प्रो पे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने प्रीमियर प्रो पर कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, पहले तो मेरे माइंड में ये है कि हम क्या करेंगे, पहले तो वाइट बैकग्राउंड रखेंगे और उसके ऊपर ब्लैक से टेक्स्ट रखेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगा उसको आपको, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक कलर का टेक्स्ट। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं, आपको कैसे आपके हिसाब से आप कर सकते हो ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है? सो डोंट वरी। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो मैंने सीक्वेंस बना लिया है, 1080 पिक्सल्स का ये सीक्वेंस है। वो कैसे बनाना है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियोस चेकआउट कीजिए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सो अभी ये हमारा सीक्वेंस रेडी है। अभी इसको पहले तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो हमको इसको वाइट करना है। वो कैसे करना है, हमको एक कलर मैट लगाना पड़ेगा। वो कैसे, तो यहाँ पर हम आएंगे न्यू आइटम पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आएंगे कलर मैट पर। पहले चेक कीजिए कि आपका सीक्वेंस आपके मतलब ये जो कलर मैट का है हाइट एंड विड्थ, वो आपके सीक्वेंस के हिसाब से है या नहीं, एंड आपके एस्पेक्ट रेशियो सही है या नहीं। स्क्वायर पिक्सल चाहिए हमको, ओके? तो इसको ओके कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे कलर वाइट, ओके कर देंगे, एंड ये कलर मैट का नेम अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं दिया तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके कर दिया। सो एक कलर मैट आ गया, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मेरे टाइम लाइन पर, एंड इसको जूम कर लूँगा। सो कलर मैट तो आ गया, अभी हमारा इसमें क्या आना बाकी है, तो हमारे टेक्स्ट के साथ हमको उसको एनिमेट भी करना है। वो कैसे करना है मैं सारा बता दो। पहले तो टेक्स्ट लाना है हमको। टेक्स्ट के लिए क्या करना है आपको पता ही है, टेक्स्ट टूल यूज़ करना है। टेक्स्ट टूल आप टी भी दबा सकते हो, डायरेक्टली टेक्स्ट टूल आ जाएगा, एल्स यहाँ पे जो है आपको ये वाले बॉक्स पे यहाँ पे टेक्स्ट टूल मिल जाएगा, ठीक है? टेक्स्ट टूल या टाइप टूल जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए प्रोग्राम मॉनिटर पे, ड्रैग कीजिए, एक ओपन हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आप चाहो, वो जो कि आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट इन प्रीमियर प्रो, टाइपराइटर इफेक्ट इन प्रीमियर प्रो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। इसको सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, ठीक है? इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, हमको तो बस यहाँ पे दिखाना है, ठीक है? तो ये आ गया है सेंटर में। अभी हमको टेक्स्ट तो हमारा आ गया है, ठीक है? आप इसको वैसे चेंज भी कर सकते हो, जो आप फॉन्ट चाहो उसके हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। बट यार मतलब टेक्स्ट जो टाइपराइटर वाला होता है वो भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, अभी मेरे पास तो नहीं है, बट आप हमेशा ऑनलाइन जाके गूगल पे सिर्फ डालो टाइपराइटर टेक्स्ट, तो वो आ जाएगा, ठीक है? तो वह भी आप डाल सकते हो। आपको अगर एक्चुअल एक टाइपराइटर वाला इफेक्ट चाहिए, आता खट 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 वाला टाइपराइटर, वो वाला इफेक्ट, ठीक है? अभी इसको करते हैं थोड़ा सा एनिमेट। अभी वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको इफेक्ट्स पैनल पे आना है, ठीक है? यहाँ पे इफेक्ट्स में, अगर ये आपका इफेक्ट्स नहीं दिख रहा है आपको, सिंपली क्या कीजिए, विंडोज़ में जाइए एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पैनल मिल जाएगा। Shift 7 दबा के भी आ जाता है, ठीक है? तो इफेक्ट्स पैनल पे जाके हमको यहाँ पे टाइप करना है लीनियर वाइप, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लीनियर डाला, तो ट्रांजिशंस के अंदर यहाँ पर मुझे लीनियर वाइप मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस लीनियर वाइप को हमारे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर पुट कर दूँगा, ठीक है? अभी उससे क्या होगा कि आप जो है जो लीनियर वाइप जो एक ट्रांजिशन है उसको अप्लाई कर सकते हो इस पर, एंड उसको ऐसे दिखा सकते हो कि वी आर टाइपिंग इट। तो अभी वो कैसे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप आओगे लीनियर वाइप के कॉलम में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजिशन कम्प्लीशन का एक बटन है, जहाँ पे कि एक आपको 0 to 100% का ये मिल जाता है स्लाइडर। तो अगर देख सकते हो, मैं अगर इसको 100% लेके जाता हूँ तो ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड राइट तक पूरा वाइप कर दे रहा है। अभी एक्चुअली हमको चाहिए कि पहले कुछ भी ना हो, देन इसको धीरे धीरे अपीयर हो, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाइप एंगल जो है ये अभी 90% है, इसको 270 कर देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि पहले ये ऐसे वाइप कर रहा था, अब ये ऐसे वाइप करेगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको अभी 100 करता हूँ तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब उल्टा हो गया इन शॉर्ट। तो अभी हमको क्या करना है, इसको हमको पहले तो कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। तो इसको धीरे 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 धीरे, मतलब हम ऐसे की फ्रेम्स लगाएंगे कि इसको 100 से 0 तक लेके। अभी वो कैसे करना है, सिंपली
प्लेहेड को स्टार्ट में लेके आई है, ट्रांजिशन कंप्लीशन वाले कॉलम को जो सॉरी ये क्लॉक जो है, ये की फ्रेम्स का क्लॉक है उसको ऑन कीजिए, थोड़े से फ्रेम्स आगे आइए जैसे कि 2 सेकेंड या 3 सेकेंड एंड फिर इसको ज़ीरो कर दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूँ आप देख सकते हो ये ऑलरेडी टाइपिंग इफेक्ट टाइप लग रहा है, बट जब भी आपने एक टाइपिंग इफेक्ट देखा होगा यू नो कि एक ऐसा एक कर्सर रहता है जो कि ब्लिंक होता है एंड उसके साथ साथ आता है, तो वो अभी हम बनाएंगे ताकि हमारा इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा दिखे। ठीक है, अभी उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप न्यू आइटम पे आइए। ठीक है, न्यू आइटम पे आने के बाद आपको ब्लैक वीडियो सिलेक्ट करना है, आप ये कलर मैट के साथ भी कर सकते हो बट मैं ब्लैक वीडियो के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, सो ब्लैक वीडियो सिलेक्ट किया, आप चेक कर लीजिए ये विड्थ एंड हाइट्स बराबर है, ओके, एंड ब्लैक वीडियो को आप यहाँ पे इसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, अभी ब्लैक वीडियो इसलिए पूरा ब्लैक दिख रहा है, अभी हमको यहाँ पे इसका जो है विड्थ एंड हाइट एडजस्ट करना है ताकि ये उस कर्सर के डायमेंशंस का हो जाए। अभी वो कैसे करना है, सिंपली ब्लैक वीडियो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पे आइए एंड यूनिफॉर्म स्केल जो है सबसे पहले इसको अनचेक करना है हमको एंड विड्थ एंड हाइट को हमको कम ज़्यादा करना है। अभी देखो ये जो है यहाँ पे ये हो गया विड्थ एंड ये हो गया हाइट, तो अभी हाइट हम रख लेंगे अप्रॉक्सीमेट 10 एंड विड्थ रंग लगे अप्रॉक्सीमेट 0.4। आप देख सकते हो कर्सर हमारा बन गया है। अभी पहले तो इसको एडजस्ट करना है, पहले तो इसको मैं ला देता हूँ एंड इसको ऑलरेडी एडजस्ट करता हूँ हमारे टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हमको इस कर्सर को भी एनिमेट करना है ताकि ये हमारे टेक्स्ट के साथ साथ जाए। वो कैसे करना है, सिंपली जैसे कि हमने पहले इसमें किया, प्लेहेड को स्टार्ट में लाना है, पोजीशन को की फ्रेम स्टार्ट करना है, देन ये टाइपराइटर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आना है एंड इस कर्सर को हमको वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये उसके साथ साथ जा रहा है, बट यहाँ पे एक हमको प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो कि उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, आगे आते आते डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो इसको हमको एडजस्ट करना है, तो ये की फ्रेम्स हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे इसे ब्लैक वीडियो को सिलेक्ट करके। थोड़ा मैं टाइम में आगे आऊँगा एंड इसको धीरे धीरे एडजस्ट करते रहूँगा बीच बीच में, राइट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो भी आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा इफेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चेरी ऑन द केक हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप टाइप करते हो आप देखोगे कर्सर जो है ब्लिंक होते रहता है कंटिन्यूस, सो ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे लाएंगे अभी वो देखते हैं। सिंपली प्ले हेड को जो है हमारे ब्लैक वीडियो को ही हमको ऑफकोर्स सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ओपेसिटी जो है उस पे आना है। ठीक है, ओपेसिटी आप देखोगे कि अगर 0 करूँगा तो दिखेगा नहीं, 100 करूँगा तो दिखोगा, वो ऑब्वियस है। हमको क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी को की फ्रेम स्टार्ट करना है, फ्यू फ्रेम्स आगे आने हैं हमको यहाँ पे, बहुत ही कम, जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ सिर्फ 4 फ्रेम्स आगे आने हैं। ठीक है, या फिर 2 फ्रेम्स पकड़ लो आगे आना है, इसको मैं कर देता हूँ 0, वापस 2 फ्रेम आगे आने हैं इसको कर दूँगा 100, वापस 2 फ्रेम आगे आएंगे इसको कर दूँगा 0, वापस 2 फ्रेम 100, वापस 2 फ्रेम 0 एंड अभी इसको जो है हमको कॉपी पेस्ट करते जाना है आगे आगे, जैसे कि मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, एंड वाले की फ्रेम पे आना है एंड पेस्ट, तो इस तरह से आप अगर देखोगे अभी ये टाइप होते जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है। सो ये हमारा जो टाइपराइटर इफेक्ट है ये तो रेडी है, बट और एक थोड़ा सा इसको और एक मज़ेदार बनाने के लिए और एक चीज़ करेंगे, इसमें थोड़ा सा SFX डालेंगे साउंड, तो वो भी हम डाल देंगे। सो मैंने ऑलरेडी एक जो है टाइपराइटर इफेक्ट का साउंड दैट इज़ किया SFX डाउनलोड करके रखा है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारे क्लिप पे। ठीक है, इसको एडिट कर लेते हैं सही से, अनवांटेड पार्ट हटा देंगे एंड अगर मैं अभी इसको प्ले करता हूँ तो देखिए तो भी कैसा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। ये टाइपराइटर इफेक्ट आप जो है YouTube से भी उठा सकते हो, आपको YouTube पे जाके वहाँ पे बस टाइपराइटर इफेक्ट
ये डाल दीजिए साउंड इफेक्ट, इतना ही आप डालोगे आपको जो फर्स्ट मिलेगा लिंक उसको आप यूट्यूब कैसे डाउनलोड करना है इसके पहले मैंने वीडियो डाला है वो चेकआउट कीजिए एंड वैसे आप जो है डाल सकते हो। सो यस गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यस डू प्रेस दैट लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यस अगर कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है डू आस्क मी इन द कमेंट्स एल्स इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछिए, यहाँ पे मैं इतना बड़ा इंस्टाग्राम दे रहा हूँ सो डू पिंग मी एंड यस प्रीमियर प्रो के ऊपर अगर पूरी मास्टर क्लास आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने आई बटन पे दिया है तो डू चेक दैट आउट टू। ठीक है तो इसी तरह मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।